We have fucking done it! Yes! आई थिंक वी आर आउट ऑफ निज़ामाबाद नाउ और हम नागपुर हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और वी आर ऑन द वे। स्लाइटली डिले हो गया निकलने में, वरना हमने सोचा था कि वी विल लीव बाई 6:30, लेकिन रात में काफ़ी लेट हो गया सोने में एंड वी आर वेरी टायर्ड, सो दैट्स द रीज़न वी स्टार्टेड लिटिल लेट। और अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा कोई ना कोई ब्रेकफास्ट पॉइंट पे ही स्टॉप होगा, बट हाँ आज इतना तो पक्का है कि आज हम मध्य प्रदेश, यूपी के कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ये सब क्रॉस करने वाला है। तो इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग डे गाइस। रोड इतना ज़्यादा अच्छा है, अभी तक का जो स्ट्रेच हमें मिला बहुत ज़बरदस्त हाईवे है, तो इसलिए बस हम लोग भगाते गए गाड़ी, मुझे ब्लॉक करने का टाइम ही नहीं मिला। चले ठीक है भैया, ओके भैया। तो यहाँ पे था हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट, पूड़ी सब्जी और चाय। टेस्ट अच्छा था क्योंकि हम ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं, सो वी फेल्ट कि क्राउडेड भी नहीं था ज़्यादा एंड इट वाज अ गुड ऑप्शन। और ये क्या, ये मेरा ग्रिप पपीज जो है ये फट रहा है ऑलरेडी लगता है कि ये झेल नहीं पा रहा है। सर एक चीज़ दिखाओ इधर आओ, ये देखो ये ऑलरेडी फटना शुरू हो गया, सब कुछ फटना शुरू हो गया भैया और यहाँ पे एक और कैमरा जो है वो लगा दिया मैंने। बैठे बैठे कमर का दर्द जब सताने लगे तो बाइक पे खड़े हो जाएं और सैडलिंग का मज़ा उठा लें, क्या बात है ये बॉय। और आप में से भी कई भाई लोग होंगे जो कि लद्दाख जाने का या कोई और स्पिति, ज़ंस्कार, नॉर्थ ईस्ट या और भी जगहों पे आप बाइक से या कार से भी ट्रैवल करना चाहते हो, तो मुझे अगर आप, आपको कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बताना आप, ताकि मैं ट्राई करूँगा, मुझे जितने भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है आई विल ट्राई द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़ टू आंसर इट इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। नागपुर 78, भोपाल 429 एंड दिल्ली 1148, तो ये है हमारा करेंट स्टेटस। नागपुर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाना है 78 किलोमीटर्स, बट आई थिंक नागपुर डायरेक्टली हम एंटर नहीं करेंगे, नागपुर से पहले एक राइट टर्न है जो बेसिकली बाईपास टू नागपुर है और दैट विल टेक अस टूवर्ड्स मध्य प्रदेश। सागर आज की हमारी डेस्टिनेशन है
और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वी आर नॉट क्रूजिंग फॉर मोर देन 80 टू बी ऑनेस्ट। और बस एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चले जा रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, डिहाइड्रेशन, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो वी हैव टू मेक श्योर कि एवरी 45 मिनट्स वी आर ब्रेकिंग एंड वी आर हैविंग समथिंग फ्लूइड लाइक अ वाटर, लस्सी, टेंडर कोकोनट या फिर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, जस्ट टू इंश्योर कि वी स्टे हाइड्रेटेड और वी कैन काउंटर द हीट। नागपुर 77, वाराणसी इज 837। ओके, तो बनारस भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अपने भोलेनाथ की नगरी काशी, वहाँ भी एक दिन हम ज़रूर जाएंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी, ये सब कुछ मुझे इस बाइक पे करना है और वो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो हम पूरे इंडिया को, क्या पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं मेरे फ्यूचर को लेकर, तो बस आपका साथ मिलता रहे और अपन सब कुछ करेंगे, सब कुछ। पूरी दुनिया में भारत और भारत दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, सो मौसम ने अपने कई रंग दिखाए। ये ऊपर में आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ बारिश है जो कि मच नीडेड ईज फ्रॉम समर दे रही है। बारिश भयानक हुई है आज और इसीलिए मुझे इस पॉइंट पे आके जंप कट करना पड़ा। अभी मैंने रेन गियर्स पहने हुए हैं और पिछले ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से भयानक बारिश मिली है हमें, भयानक मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है, ताबड़तोड़ बारिश। अब लगेज में पानी गया है नहीं गया है आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, और वो हमें होटल पहुंच के ही पता चलेगा। बट आज सागर पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग पा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर जो है वो बचा हुआ है अभी भी, और अभी टाइम ऑलमोस्ट 7 बज चुका है। सो डाउटफुल लग रहा है कि हम लोग सागर पहुंच पाएंगे आज। तो देखते हैं क्या होता है। और ये कुछ घाट एरिया है जो कि जंगल और घाट का एक कॉम्बो है सॉर्ट ऑफ, तो उधर से ही हम गुजर के जा रहे हैं अभी। मैड डॉग फॉग लाइट्स आर इन प्ले नाउ एंड डेफिनेटली दे आर वेरी पावरफुल, वेरी यूजफुल एज वेल। द थिंग इज कि जब आप एक दिन में 800 किलोमीटर्स के आसपास की डिस्टेंस कवर करने जा रहे हो और जिसमें वेदर भी एक पार्ट प्ले करता है, ट्रैफिक भी एक पार्ट प्ले करता है और भी बहुत सारी थिंग्स लाइक बॉडी एक थ्रेशोल्ड टूवर्ड्स हाउ मच यू कैन राइड इन वन स्ट्रेच, ऑल दोज थिंग्स, स्पीड्स, कितनी स्पीड पे आप जा सकते हो। सो टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दीज फैक्टर्स, इट्स डेफिनेटली अ हार्ड वॉक and it's not meant for everyone. So जब भी आप एक बड़ी राइड प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ों को अकाउंट में ले के रखो एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। फुल कर दीजिए। स्लो डालिएगा, फेंकने लगता है बाहर। क्या भैया इतना महंगा हो गया पेट्रोल, कैसे काम चलेगा बताइए। लगता पानी से ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। नहीं बस
तो गाइस यही होता है जब कैमरा गियर्स और लगेज के साथ आप निकलते हो, तो अनवांटेड अटेंशन मिलती है बहुत ज़्यादा। समटाइम्स इट्स गुड, बट अगर रात के टाइम पे ऐसा हो तो थोड़ा सा डर भी लगता है। बट खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। यू नो यू नेवर कैन बी टू केयरफुल, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ नेगेटिव पर्सन और सच। लेकिन रात के टाइम पे जब कोई सवाल पूछता है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये तो थोड़ा सा अनजान जगह पे, आई मीन आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट खैर बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। सो अभी यहाँ से सागर दिखा रहा है 254 किलोमीटर और टाइम टू रीच दिखा रहा है 12:25। ये देखो सर, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, इतना सामान लेके आए हैं। सब सामान का मतलब इसको कुरियर करेंगे वापस सब टाइम पर, ना लेके तो जाने की हिम्मत करेंगे वापस। और ये अपनी ऊपर स्मार्ट लाइटिंग भी है भाई, क्या बात है। तो ये है अपने दम आलू, ये है दाल, ये कुछ सैलड और ये है अपनी तंदूरी रोटी और साथ में इधर है प्लेन राइस। सो ये अपना डिनर है और विशाल भाई बहुत खुश लग रहे हैं, काफ़ी भूखे हैं और थके हुए हैं। तो भूखे नंगे लोगों को आज फाइनली खाना मिलने वाला है। तो हम आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए आप इंजॉय करो ये टाइम लैप्स और आज का डे टू हम यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज़ अमृत, कीप वॉचिंग गॉड स्पीड ट्रैवलर, पीस आउट।